पीस फाउंडेशन की ओर से गृह राज्यों को जा रहे प्रवासियों को लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में खाने और पीने का सामान वितरित किया गया। फाउंडेशन के ट्रस्टी आईजेड दत्ता ने बताया कि फाउंडेशन की ओर से अपने गृह राज्यों को जा रहे प्रवासी मजदूरों को रास्ते में करीब दो दिनों तक के समय हेतु खाने और पीने का सामान मुहैया करवाया गया है ताकि उन्हें कोई दिक्कत न आए। इसके अलावा फाउंडेशन की ओर से समय समय पर कई सोशल एक्टिविटीज की जा रही है जिसमें आंखों का कैंप लगाया जा रहा है और नशाखोरी के खिलाफ भी काम किया जा रहा है। माइजर देता है, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हैं पीस फाउंडेशन का। आज ऐसी इस जगह पे आए हैं, खासकर मजदूर लोग जड़े ने वो अपने घरों वापस जा रहे ने। असी देखा कि पिछले दिनों में बड़ा उन्होंने दुख उठाना पिया, कोई पैसा नहीं है, कुछ खाने नहीं है। अज असी खाने का समान पानी की बॉटल उन्होंने रस्ते दे लैके आए हैं, इस करके कि रस्ते दे विच जेकर उन्हों को खाने लिए कुछ नहीं है तो कम से कम एक या दो दिन अपना गुजारा कर सकते हैं। पीस फाउंडेशन जी है बच्चों के खासकर सेवा कर रही है और नशियां के विरोध से काम कर रही है। बहुत सारे पंजाब के पिंडों के कैंप लगा रही है और पिछले दिनों में असी काफ़ी मरीजों के आई कैंप लगाए ने और डेंटल कैंप लगाए ने। आने वाले समय से असी चाहते हैं कि और भी ये मजदूर जो बाहर जा रहे उन्होंने इस तरह सेवा कर सके। थैंक यू वेरी मच। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहितेशी।